हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मी एंड माय किचन। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी रेसिपी जिससे आप मिनटों में ब्रेकफास्ट या स्नैक्स तैयार कर सकते हैं। तो चलिए फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैं लूँगी 1 कप ओल्ड फर्निश्ड ओट्स, 1/4 कप फ्लैक्स सीड्स, 1/4 कप ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में मैंने बादाम, काजू और अखरोट लिया है। और अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1/4 कप सनफ्लावर सीड। आप इसमें अपनी मनपसंद अनुसार कोई भी फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हो। और इसी के ऊपर मैं थोड़ा सा सिनेमन पाउडर स्प्रिंकल कर दूंगी। अब मैं चलती हूँ इसके नेक्स्ट स्टेप पर, जिसके लिए मैंने एक पैन को गैस पे रखा। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून जैकरी पाउडर। आप जैकरी पाउडर की जगह शुगर का यूज भी कर सकते हो। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1/4 कप वाटर और इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसको मीडियम फ्लेम पर शुगर को, यानी कि जैकरी को, मेल्ट होने दूंगी। अब ये अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1/2 टेबल स्पून घी और घी को इसमें ऐसे अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसको मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए कुक करूंगी। 2 से 3 मिनट बाद ये अच्छे से कुक हो गया है और मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टेबल स्पून हनी और मैंने गैस का फ्लेम भी ऑफ कर दिया है। अब मैं इस जैकरी पाउडर सिरप को ओट्स में डाल लूँगी और ओट्स में डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और आप देख सकते हो कि हमारा ओट्स मिक्सचर हल्का सा मॉइस्चरी है, लेकिन ये फैट नहीं है। हमें इसमें बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है। अब मैं एक बेकिंग ट्रे लूँगी और इस ओट्स मिक्सचर को बेकिंग ट्रे में डाल दूँगी। मैंने ओट्स को बेकिंग ट्रे में डाल दिया है और बेकिंग ट्रे में डालकर मैं इसको अच्छे से फैला दूँगी। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप इसको कढ़ाई में 10 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए रोस्ट करें तो ये ओट्स बहुत ही इजीली तैयार हो जाएंगे। अब मैं इस बेकिंग शीट को, यानी कि बेकिंग ट्रे को, ओवन में रख दूंगी। इसके लिए हमें ओवन को प्री हीट करने की आवश्यकता नहीं है। इसको बेकिंग ट्रे को ओवन में रखें और ओवन को 210 डिग्री सेल्टीग्रेड पर ऑन कर दें। और हमें ओट्स को हर 5-5 मिनट में चेक करते हुए, अच्छे से मिक्स करते हुए 20 से 25 मिनट के लिए बेक करना है। बेक करते समय हमें ध्यान रखना है कि हम इसको बीच बीच में चलाते हुए बेक करें, वरना हमारे नट्स जल जाएंगे और इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। अब ये अच्छे से बेक हो चुका है, मैं इनको एक प्लेट पे निकाल लूँगी। और जब ये अच्छे से ठंडे हो जाए तब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ी सी रेजिन्स। और थोड़ी सी कैनबेरी। रेजिन्स और कैनबेरी को आप ठंडा होने के बाद ऐड करें, अदरवाइज वह बहुत ही स्टिकी हो जाएगी। और अब इन सब मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप इसको ठंडा होने के बाद एयरटाइट कंटेनर में भर के रखें और 1 महीने तक इंजॉय करें। आप इसको अपने ब्रेकफास्ट में या फिर स्नैक्स में ऐड करें, ये बहुत ही हेल्दी और फिलिंग है। मुझे ये ओट्स पर्सनली दही और
फ्रूट्स के साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।